गजानन, आप हमारे साथ चलने की, हमारी सहायता करने की कृपा करें। यदि उस दुष्ट को अमृत प्राप्त हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नहीं देवराज, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। गजानन, क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? सूर्य देव, वायु देव, अग्नि देव और स्वयं देवराज इंद्र, आप सभी शक्तिशाली देवताओं का सामर्थ्य उस असुर का कुछ नहीं कर सका, तो फिर भला मैं बालक उसे कैसे रोक पाऊंगा? यदि कोई कुछ कर सकता है तो वो केवल आप। पूर्व में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, आपकी महिमा को पहचान नहीं पाए। मुझे क्षमा कर दीजिएगा जनक। अमृत और चौथे घेरे पर दो विषैले भयानक नाग सदैव अमृत की निगरानी में रहते हैं। यहाँ पे विकराल नाग तो क्या कोई नहीं है। अवश्य मुझे भयभीत करने का प्रयत्न किया था देवराज इंद्र ने, किंतु अच्छा ही तो है, अब कोई बाधा शेष नहीं है। मेरा कार्य और सरल हो गया। सत्य था देवराज का कथन, इन्हें अपने मार्ग से हटाना ही होगा। कितने निकट पहुंच कर भी उसे ना पा सका तो संकट में पड़ जाऊंगा मैं। नहीं, असफल नहीं होगा सिंदूरा। रुकिए देवराज, आप मेरे बड़े हैं और बड़े छोटों के पांव स्पर्श नहीं करते। अभी तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है
कि अपने बड़ों का सदैव सम्मान करना चाहिए। यदि आपको किसी से क्षमा मांगनी है तो मेरी माँ से मांगिए। क्योंकि आपके शब्दों ने तो उनको दुख पहुंचाया था। आप सर्वथा उचित कह रहे हैं गजानन। मेरे अहंकार ने मेरे विवेक को हर लिया था और मैं मूर्ख आपका अपमान कर बैठा। मुझे क्षमा कर दीजिए जगत जननी। आप सभी के समक्ष ये प्रण लेती हूँ, अपने पुत्र को इतना योग्य बनाऊंगी कि वो अपने कर्म से देवता ही नहीं बनेगा, अपितु आप सभी देवता उसकी पूजा करेंगे। क्षमा मांगकर अपनी भूल सुधारने से व्यक्ति अपनी उस भूल से मुक्त हो जाता है। मुझे आपकी क्षमा याचना स्वीकार है इंद्रदेव। धन्यवाद माता, आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ हूं मैं, अपनी संतानों से दुखी होकर उनका अहित होते नहीं देख सकती, इसीलिए और विलंब उचित नहीं है देवराज। यदि मेरा पुत्र गजानन ही अमृत की रक्षा कर आप सभी की और समस्त संसार की रक्षा करने में सक्षम है तो वो अवश्य जाएगा। किंतु स्मरण रखिएगा देवराज, भविष्य में कभी किसी मां का अपमान मत कीजिएगा। पुत्र गजानन, ये तुम्हारे जीवन की प्रथम चुनौती है। आज तक तुमने जो भी किया, जो भी सीखा, वो इसी चुनौती का सामना करने की तैयारी थी। जाओ पुत्र और सफल होकर लौटो। आपका आशीर्वाद ही मेरी शक्ति है माता। प्रणाम पिताश्री। छुटकारा कैसे पाऊं? सूझ गया उपाय। मुझे ढूंढ रहे हो ना तुम दोनों? देखो मैं यहां हूं।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यदि मुझे अमृत प्राप्त करने से रोकने आए हो तो देख लो, पल भर में अमृत तक पहुंच जाऊंगा मैं, कोई नहीं रोक सकता मुझे। अरे नहीं नहीं, मेरे मन में तो ऐसी कोई इच्छा नहीं है। प्रतीत होता है मैंने आपके कार्य में बाधा डाल दी। आप तो अमृत का पान करने वाले हैं ना? जाइए जाइए, कीजिए अमृत का पान। ये कलश इसके हाथ में। यदि अमृत कलश अपने स्थान पर है तो कहीं ये कोई छल तो नहीं कर रहा मेरे साथ। ए बालक, वो अमृत कलश जैसा दिखने वाला क्या है तुम्हारे हाथ में? अरे आप क्यों चिंता करते हैं? आप तो अमृत कलश तक पहुंच गए ना, तो पान कर लीजिए ना अमृत का। करूंगा, अवश्य करूंगा, और अमृत पान करने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। सत्य कह रहे हैं आप, इतनी कठिनाइयों को पार कर आप अमृत कलश तक पहुँचे हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको। किंतु किसी भी कार्य में आने वाली अंतिम बाधा सरल अवश्य प्रतीत होती है, किंतु उसको पार करना अत्यंत कठिन होता है। इसलिए एक बार भली भांति जांच लीजिए, जो कलश आपके समक्ष है अमृत उसी में ही है ना? या अभी भी बाधाएं शेष हैं? अमृत कलश जो अपने स्थान पर स्थित है उसमें अमृत नहीं होगा तो कहाँ होगा? अच्छा, तो विलंब क्यों करते हैं? शीघ्र अमृत पान कर अपना उद्देश्य प्राप्त कीजिए ना सुरजी। मुझे रोकने का प्रयत्न करने के स्थान पर ये बार बार मुझे अमृत पान करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहा है? कदाचित मुझे एक बार देख ही लेना चाहिए इस कलश में अमृत है भी कि नहीं। अभी तक अमृत का पान नहीं किया, कीजिए ना। कहीं मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा? वास्तविक कलश इसके हाथों में है और मैं शव को पाकर ही संतुष्ट हो रहा हूँ। अवश्य ऐसा ही है, अन्यथा ये बालक ऐसा व्यवहार क्यों करता? अच्छा, आप अमृत का आनंद लीजिए, मैं चलता हूँ। रुको बालक, वो अमृत कलश मुझे दो। रुक जाओ दुष्बालक। नहीं दूंगा। मुझसे भाग नहीं सकते तुम। कदापि नहीं दूंगा ये कलश। जाने नहीं दूंगा मैं तुम्हें, अंत करूंगा मैं तुम्हारा। अरे इस क्रीड़ा में तो आनंद आ रहा है। ओम नम गणपतये नमः। ओम नम गणपतये नमः। ओम नम गणपतये नमः। तुम्हारी क्रीड़ा समाप्त हुई बालक, अमृत मुझे दो। जो जिसका अधिकारी होता है उसे वही मिल पाता है। आप इसी योग्य हैं, ये लीजिए आपका अमृत।
तो इस वाष्प के सिवाय कुछ भी नहीं है। बालक, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बालक, तुम्हारे कारण इतने कठोर सुरक्षा चक्र को भेद कर भी मैं अमृत नहीं पा सका, किंतु अब तुम्हारा छल नहीं मेरा बल सफल होगा। मिटा दूंगा मैं तुम्हें, अंत करूंगा मैं तुम्हारा। मेरा ये बाण अन्नगास्त्र अपने विष से भस्म कर देगा तुम्हें। मुझे इस विष के प्रभाव को दूर करना होगा। अब मेरी शक्तियों से सज्जित होकर तुम किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने में समर्थ हो गए हो पुत्र। जैसे उजाले से अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही मेरे इस गरुड़ास्त्र से आपका विष भी मिट जाएगा। से हो गया मेरा पन्नगास्त्र। धन्यवाद माँ, आपके दिए इस धनुष के आगे इस असुर का बाण कहाँ टिक सकता था। तो तुम बच गए, किंतु मेरे अग्नि अस्त्र से बच नहीं पाओगे तुम। ओह अग्नि, असुर जी, मुझे तो जल से क्रीड़ा बहुत अच्छी लगती है, आपको भी करनी चाहिए। मन शांत हो जाएगा आपका, देखिए ऐसे जलास्त्र। अग्नि भी बुझा दी इस दुष्ट ने। अरे असुर जी, आप तो भीग गए। आनंद आया, मुझे तो आपके साथ क्रीड़ा में बहुत आनंद आ रहा है। बाला, क्रीड़ा अब मैं करूंगा तुम्हारे साथ, दिखाऊंगा मैं तुम्हें अपनी शक्ति। तो करिए ना क्रीड़ा, मुझे तो और भी आनंद आएगा। अब मेरा क्रोध भयंकर रूप लेकर सामने आएगा, देखता हूँ उससे अपनी रक्षा कैसे करते हो तुम। क्रोध भयंकर रूप लेगा असुर जी, किंतु क्रोध तो व्यक्ति का विवेक हर लेता है।
कंपन उत्पन्न कर दिया। ये तो इस दुष्ट का प्रतिरूप प्रतीत होता है, किंतु इससे कहीं अधिक शक्तिशाली और विशाल है ये। तुझ बालक मसल कर रख दूंगा तुम्हें।